नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज पांचवा दिन है। जानते हैं आज रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की अहम बातें। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के बैंकों पर यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का असर दिखने लगा। रूस की मुद्रा रूबल के गिरते दामों के चलते रूस की सेंट्रल बैंक ने अपने ब्याज दर में बड़ा इजाफा किया है। रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने फेसबुक के जरिए जानकारी देते हुए बताया है कि उसने पिछले 4 दिन की लड़ाई में 5,300 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। रूस के 191 टैंकर, 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जाने वाली 816 हथियारबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR की एक प्रवक्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब तक यूक्रेन से 4,22,000 लोग पड़ोसी देशों में पलायन कर चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन से अब तक 6 उड़ानों के जरिए 1400 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा है ताकि वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद कर सके। इसमें शामिल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल रिटायर्ड वीके सिंह शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने बेलारूस के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने बेलारूस में अपने दूतावास को बंद करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन और अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी फौज बेलारूस के रास्ते कीव पर हमला कर रही है। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इन आरोपों को बकवास बताकर खारिज कर दिया है। वहीं अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने को भी कहा है।